दोस्तों अमेरिका की निजी यानी कि प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है स्पेसएक्स, इसने 17 सितंबर 2018 को ये बताया है कि उसने चंद्रमा के चारों तरफ उड़ान भरने के लिए दुनिया के पहले प्राइवेट पैसेंजर के तौर पर जापानी अरबपति जिनका नाम है युसाको माएजावा के साथ जो है करार किया है। दोस्तों हालांकि स्पेसएक्स ने अभी हाल ही में घोषणा की थी कि उसने लोगों को अंतरिक्ष में घुमाने की योजना बना ली है। जल्द ही वो लोगों को टूरिज्म के लिए अंतरिक्ष और चांद पर भेजना शुरू कर देगी। अब उसने ये फाइनल कर दिया है कि युसाकु माएजावा जो हैं उसके पहले मून टूरिस्ट होंगे। दोस्तों पिछले सालों में जो 50 साल हैं उसमें युसाकु पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो चांद पर जाने और लौटने की तैयारी कर रहे हैं। युसाकु माएजावा अकेले इस यात्रा पर नहीं जाएंगे बल्कि वो अपने साथ 6 से 8 आर्टिस्टों को भी लेकर जाने की योजना बनाए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में कि ये माएजावा कौन है और ये यात्रा किस वर्ष में होगी और किस रॉकेट के द्वारा ये किया जाएगा। तो आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। चलिए सबसे पहले जानते हैं माएजावा के बारे में। दोस्तों युसाकु माएजावा जापान के सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग मॉल जिसका नाम है जोजो टाउन, इसके फाउंडर हैं। उनकी कंपनी जोजो, जिसे आधिकारिक तौर पर स्टार्ट टुडे कंपनी लिमिटेड के तौर पर भी जाना जाता है। दोस्तों फोर्ब्स के अनुसार वो दुनिया भर की कलाकृतियों को इकट्ठा करने के शौकीन हैं और उन्होंने वर्ष 2016 में 80 मिलियन डॉलर की कलाकृतियां खरीदी थी, जिसमें जाने माने आर्टिस्ट जीन मिशेल बैस्क्विट और पाब्लो पिकासो की पेंटिंग भी शामिल हैं। फोर्ब्स ने कुछ दिनों पहले जापान के 50 धनी लोगों की लिस्ट जारी की थी और युसाकु माएजावा जो थे उस सूची में 18वें नंबर पर थे। चलिए जानते हैं इस यात्रा के बारे में। दोस्तों यह मिशन जो है वर्ष 2023 में लॉन्च होने की उम्मीद है। अगर ये यात्रा जो है अपनी योजना के अनुसार हुई तो युसाकु माएजावा जो है 2023 में बिग फॉल्कन रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष की सैर कर सकेंगे। अब तक 24 लोग चांद पर जा चुके हैं लेकिन वो सभी विभिन्न अंतरिक्ष संस्थानों के द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यात्री थे। आखिरी बार वर्ष 1972 में अपोलो मिशन हुआ था और इसके बाद से कोई भी मनुष्य चांद पर अब तक नहीं गया है। चलिए जानते हैं बिग फाल्कन रॉकेट के विषय में। दोस्तों इस ट्रिप को साकार करने के लिए स्पेस एक्स एक बिग फाल्कन रॉकेट बना रहा है जिसमें 9 मीटर का एक बूस्टर होगा। ये मंगल तक 100 यात्रियों को ले जा सकेगा। यह रॉकेट 118 मीटर लंबा है और इसमें पैसेंजर के लिए एक खास शिप होगी। और स्पेस एक्स के जो सीईओ हैं जिनका नाम है एलन मस्क, इन्होंने जो इनकी कंपनी है के बिग फाल्कन रॉकेट के बारे में बताया है। और हालांकि एलन मस्क ने फरवरी 2017 में घोषणा की थी कि उनकी कंपनी स्पेस एक्स में जो है स्पेस में टूरिस्ट भेजेगी, तब उन्होंने ये भी कहा था कि ये लॉन्च 2018 में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और कंपनी को इसके लिए जिस फाल्कन हैवी रॉकेट और ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल करना था वो अभी बन ही नहीं सके हैं। इसलिए अभी जो है फिलहाल ये यात्रा नहीं होगी और 2023 में इसके होने की उम्मीद है। दोस्तों स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पहले इंटरनेशनल स्पेस सेंटर तक सामान लेकर जा चुका है और वापस धरती पर भी लौट चुका है। अब कंपनी को उम्मीद है कि वो अपने इस रॉकेट का इस्तेमाल करके लोगों को भी अंतरिक्ष में ले जा सकती है और इस विशाल रॉकेट का परीक्षण वर्ष 2019 में शुरू होने की भी उम्मीद है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना कि जो जापान के अरबपति हैं जिनका नाम है युसाकु माएजावा, ये स्पेस में जाने वाले विश्व के पहले प्राइवेट पैसेंजर जो हैं बनेंगे और ये अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेसएक्स के द्वारा किया जाएगा और ये किस रॉकेट के थ्रू किया जाएगा ये सब आपने आज की इस वीडियो में जान लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल नॉलेज वाणी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर